हाई वोल्टेज तारां दी चपेट दे विच आउण कारण एक व्यक्ति बुरे तरीके दे नाल झुलस गया। कहा जा रहा है कि जदों इह हाई वोल्टेज तारां दी चपेट दे विच आया तां लोकां दे घरां दे जो समान सी टीवी अते फ्रिज ओह वी बुरे तरीके दे नाल फुग गए ने। कई लोकां दे घरां दे लैंटर तक हिल गए ने अते लैंटर दे विच वी त्रेणा आईआं ने। हालांकि जो व्यक्ति तारां दी चपेट दे विच आया सी ओह बुरे तरीके दे नाल जख्मी होया, उसनों इलाज के लिए हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। तो मामला लुधियाना तो सामने आया जिते कि एक दिमागी तौर पर परेशान व्यक्ति अचानक हाई वोल्टेज तारा की चपेट के आ जाता है, जिस तो बाद कहा जा रहा है कि उत्थे जबरदस्त धमाका होंगे। धमाके की आवाज़ सुन के जदों लोग मौके पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति बुरे तरीके दे नाल झुलसिया हुंदा है ते उसनू इलाज दे लई हस्पताल दाखिल करवाया गया। हालांकि मौके दे उत्ते होर भी मोहल्ला निवासी पहुंचे ने, उन्हां दा कहना है कि जदों ओह व्यक्ति तारां दी चपेट दे विच आया तां उन्हां दे घर दे अंदर पिया सारा समान जो है वह सड़ गया। टीवी फ्रिज दे नाल नाल कहा जा रहा है कि जो वायरिंग सी घर दी ओह भी बुरे तरीके दे नाल नुकसानी गई है। मेरी दुकान च भी अग फैली है ते जदों मैं बाहर निकलिया ते उपर देखिया छत वाल लड़का ना जलदा पिया सीगा ते मैं इन्हां दी छत तों ही जाके उतार के लैके आया आपां नूं जल्दे नूं। अच्छा जी, उन्हों सिविल लैके गए है, बाकी पट्टी वगैरह करा रहे, सानू कुछ नहीं पता ले दिमागी हालत ठीक नहीं, अपने आप कोई नाल सरिया सुरिया ला के करंट लगा ले। अच्छा जी, ते हुण किदा दी हालत है? अच्छा, बहुत ज्यादा सड़िया है। अच्छा जी, ते की कहंदे हुण हॉस्पिटल च की किया तुहानू? हॉस्पिटल च ले जाण वास्ते किते क्या पैसे है नहीं, कोई इलाज करवाउण ते पैसे। हाँ जी, किते रेफर करता वा? हाँ जी, किथे रेफर कीता जी? किसे हॉस्पिटल च कीता। हाई वोल्टेज तारां दी चपेट दे विच आउण कारण एक व्यक्ति बुरे तरीके दे नाल झुलस गया। कहा जा रहा है कि जदों इह हाई वोल्टेज तारां दी चपेट दे विच आया तां लोकां दे घरां दे जो समान सी टीवी अते फ्रिज ओह वी बुरे तरीके दे नाल फुग गए ने। कई लोकां दे घरां दे लैंटर तक हिल गए ने अते लैंटर दे विच वी त्रेणा आईआं ने। हालांकि जो व्यक्ति तारां दी चपेट दे विच आया सी ओह बुरे तरीके दे नाल जख्मी होया, उसनों इलाज के लिए हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। तो मामला लुधियाना तो सामने आया जिते कि एक दिमागी तौर पर परेशान व्यक्ति अचानक हाई वोल्टेज तारा की चपेट के आ जाता है, जिस तो बाद कहा जा रहा है कि उत्थे जबरदस्त धमाका होंगे। धमाके की आवाज़ सुन के जदों लोग मौके पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति बुरे तरीके दे नाल झुलसिया हुंदा है ते उसनू इलाज दे लई हस्पताल दाखिल करवाया गया। हालांकि मौके दे उत्ते होर भी मोहल्ला निवासी पहुंचे ने, उन्हां दा कहना है कि जदों ओह व्यक्ति तारां दी चपेट दे विच आया तां उन्हां दे घर दे अंदर पिया सारा समान जो है वह सड़ गया। टीवी फ्रिज दे नाल नाल कहा जा रहा है कि जो वायरिंग सी घर दी ओह भी बुरे तरीके दे नाल नुकसानी गई है। मेरी दुकान च भी अग फैली है ते जदों मैं बाहर निकलिया ते उपर देखिया छत वाल लड़का ना जलदा पिया सीगा ते मैं इन्हां दी छत तों ही जाके उतार के लैके आया आपां नूं जल्दे नूं। अच्छा, उन्हों सिविल लैके गए है, बाकी पट्टी वगैरह करा रहे, सानू कुछ नहीं पता ले ते बाकी हुण घरां दा बहुत ज्यादा नुकसान होया इत्थे। घरां दा की समान समून सड़ गया कोई? हांजी, समान हुण लटके गया ते लैंटर फट गई है, बहुत नुकसान होया साडा तां। अच्छा जी, की होया सारी गल दसो। एलसीडी वगैरह सड़ गई है, बाकी लैंटर टुट गया, बाथरूम दा
ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਫਲਸ਼ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਘਰ ਦੀ ਸੜ ਗਈ ਹੈ, ਟੈਂਕੀ ਫਟ ਗਈ, ਟੈਂਕੀ ਫਟ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਤੋਂ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਨਾਲ ਸਰੀਆ ਸੁਰੀਆ ਲਾ ਕੇ ਕਰੰਟ ਲਗਾ ਲਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਕੀਤਾ।